एनआरसी सीएए एनपीआर कानून को विरोध करते हुए संविधान बचाओ रैली निकाली गई थी, जिसमें बड़ी मात्रा में नागरिक शामिल हुए थे। पूरे देश में बीते दो महीनों से एनआरसी सीएए और एनपीआर के विरोध में जगह जगह पर प्रदर्शन, नारेबाजी और रैली निकालकर विरोध किया जा रहा है। शुक्रवार को एनआरसी सीएए एनपीआर के विरोध में संविधान चौक पर मोर्चा निकाला गया था। एनआरसी सीएए एनपीआर निश्चित तौर से ये एक्ट एक नागरिकता कानून के नाम पे एक षड्यंत्र है और देश में दोनों तीनों समाज में एक विभाजन का काम ये एक्ट करने जा रहा है। वो एक्ट का विरोध करने के लिए पूरे देश में जनता रास्ते के ऊपर उतर रही है। नागपुर शहर में भी ये कानून के खिलाफ ये आवाम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लाखों की तादाद में यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और एनसीआर का और ये इसका सीएए का विरोध कर रहा है। ये कायदा नहीं होना चाहिए, जिसके वजह से यहाँ के जो बच्चे, यहाँ के जो नागरिक, वो पूरी योजनाओं से वंचित रहेगा और इनके लिए फिर कैंप बनाए जाएंगे और कैंप बना के वहाँ पे वो रखा जाएगा और इतने लोगों को रखने के लिए इतने कैंप बना नहीं सकते। इतनी परिस्थिति पूरे देश में आ चुकी है, अस्वस्थता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, इन लोगों में भी अस्वस्थता है। उसका माहौल पूरे घर घर में जन जन तक यहाँ पहुँचा है। आज यहाँ आदमी आ गए, युवा आ गए, लेकिन पूरी महिलाएं अपने बच्चों के साथ ये रास्ते के ऊपर निश्चित तौर से इकट्ठा आई है और ये निषेध करने के लिए इकट्ठा आई है। अभी मेरे ख्याल से ये केंद्र सरकार को मजबूरन वो कायदा वापस लेना पड़ेगा, वो सीएए कायदा रद्द करना पड़ेगा। अगर नहीं रद्द करेंगे तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये नेस्तनाबूत हो जाएगी, घर चले जाएगी। पूरे देश में एनआरसी सीएए एनपीआर के कारण अशांतता फैली हुई है। ये कानून वेस्ट बंगाल में लागू किया गया है, जिससे लोग रास्तों पर आए हैं। कैमरा पर्सन सुभाष बुटली के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।